सो हेलो गाइस, माय डियर यूट्यूब फैमिली। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप रियलमी C20 में इंटरनेट प्रॉब्लम किस तरीके से ठीक कर सकते हो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर आगे भी इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर फ्रेंड्स आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है alok_tomar49। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, आप मुझे वहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। चलिए गाइस, आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपनी फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है। फ़ोन की सेटिंग में जाते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा। तो गाइस, आपको सिंपली सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा पे क्लिक कर देना है। अब गाइस, जिस सिम से आप इंटरनेट चलाते हो उस सिम पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डाटा रोबिंग। तो गाइस, आपके फ़ोन में अगर ये वाली सेटिंग ऑफ है तो गाइस आपको सिंपली ये वाली सेटिंग को ऑन कर लेना है। हमेशा ये वाली सेटिंग को आपको ऑन रख देना है हमेशा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, आपको सिंपली ये वाली सेटिंग हमेशा ऑन रखना है। अब गाइस, दूसरी सेटिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरी सेटिंग आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा कैरियर जियो होर दी। तो गाइस, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर गाइस आपके में अगर ऑटो सेलेक्ट है तो ठीक है, अगर आपके में ऑटो सेलेक्ट नहीं है, अगर आपके फ़ोन में ये वाली सेटिंग ऑफ है तो गाइस आपको सिंपली ये वाली सेटिंग को ऑन कर लेना है। तो अगर मैंने अभी ये ऑफ कर दी तो गाइस आपको सिंपली ये वाली सेटिंग हमेशा ऑन कर देनी है। अगर गाइस आपके फ़ोन में ये दो सेटिंग ऑन करने के बाद अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो गाइस आपको एक सेटिंग और करनी होगी। वो सेटिंग करने के बाद आपकी जो इंटरनेट प्रॉब्लम है वो एकदम से ठीक हो जाएगी। तो गाइस, अब आपको क्या करना होगा वो आप यहाँ पे समझिएगा। अब गाइस, आपको फिर से फ़ोन की सेटिंग में जाना है। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस, आपको यहाँ पे क्या करना का, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा अबाउट फोन का। तो गाइस, आपको सिंपली अबाउट फोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और आप गाइस, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा वर्जन का। तो गाइस, आपको सिंपली वर्जन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। वर्जन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा बिल्ड नंबर। तो गाइस, आपको इस पे 4-5 बार क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके फ़ोन में एक न्यू सेटिंग इनेबल हो जाएगी, वो होगी एडिशनल सेटिंग में। तो गाइस, आपको सिंपली फिर से एडिशनल सेटिंग में जाना है। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद एक आपके फ़ोन में एक नया ऑप्शन आ जाएगा, डेवलपर ऑप्शन। तो गाइस, उसमें जाके आपको एक सेटिंग और करनी होगी जिससे आपकी जो इंटरनेट प्रॉब्लम वो एकदम से ठीक हो जाएगी। अगर गाइस, अगर आपकी जो दो मैंने सेटिंग बताई उनसे आपकी इंटरनेट प्रॉब्लम ठीक हो गई हो तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो मुझे आप कमेंट करके बता दो, मैं नई वीडियो बना दूंगा डेवलपर ऑप्शन को लेकर, उसमें किस तरीके से उस सेटिंग को इनेबल करें। तो गाइस, आप मुझे कमेंट में जाके बता देना और मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। वैसे मैंने एक दो सेटिंग अपने फ़ोन में कर दी है तो मेरी इंटरनेट प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई है, आपकी भी हो सकती है। अगर नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हो, मैं तीसरी सेटिंग के बारे में भी बता दूंगा। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि आपको इस चैनल पर आगे भी इसी तरह की नॉलेज और वीडियोज मिलती रहेंगी। चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही।